हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिजनेस मंत्रा के माध्यम से नए नए बिजनेस के बारे में जानकारी देते हैं। बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर लो बजट बिजनेस, जीरो बजट बिजनेस, रोड साइड बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, ग्रामीण बिजनेस, महिला बिजनेस, फूड बिजनेस और भी 800 से अधिक बिजनेस के बारे में जानकारी दी गई है। यदि आप कोई न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल या बिजनेस मंत्रा ब्लॉग में जाकर उन्हें देख सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिजनेस शुरू करने से पहले होलसेल मार्केट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश में दिल्ली, मुंबई, सूरत, चंडीगढ़, कोलकाता जैसे शहर बड़े होलसेल मार्केट के लिए काफी फेमस है। इन शहरों के होलसेल मार्केट से सामान लाकर बेचने में काफी बचत होती है, लेकिन होलसेल मार्केट से होलसेल में सामान खरीदना इतना आसान नहीं है। यहाँ से खरीदारी करते समय कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बिजनेस में लाभ कमाने की बजाय घाटा सहना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, आज मैं इसी विषय पर बात कर रही हूँ। होलसेल मार्केट से सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है जिससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात है प्रोडक्ट की कीमत। होलसेल मार्केट में सामान खरीदते समय प्रोडक्ट की सही कीमत के बारे में पता होना चाहिए। होलसेल मार्केट में बहुत सारे होलसेलर होते हैं, उनके पास मिलने वाले सामानों की कीमत में अंतर होता है। प्रोडक्ट की सही कीमत की जानकारी होगी तो आप होलसेलर से माल खरीद पाएंगे, अन्यथा आप महंगी कीमत पर माल खरीद लेंगे। ऐसे में आपको फायदे की बजाय घाटा सहना पड़ेगा। किसी प्रोडक्ट की कीमत का पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए होलसेल मार्केट में दो चार दुकानों पर जाकर उस प्रोडक्ट का रेट पता करें, उसके बाद ही खरीदारी करें। दूसरी बात है, होलसेल मार्केट से जब भी सामान खरीदे उसकी क्वालिटी का ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट में एक ही प्रोडक्ट की कई क्वालिटी होती है। उनकी क्वालिटी के आधार पर ही उनकी कीमत भी होती है। कीमत के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी भी जरूर चेक करें। होलसेल मार्केट में खरीदारी करते समय कीमत, क्वालिटी के साथ साथ उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी मायने रखती है। दुकानदार से कीमत और क्वालिटी के अलावा क्वांटिटी के बारे में पूछताछ करें, क्योंकि होलसेल मार्केट में किसी प्रोडक्ट की कीमत उसकी क्वालिटी के आधार पर ही तय नहीं होती है, बल्कि प्रोडक्ट की कीमत उसकी मात्रा यानी क्वांटिटी पर भी डिपेंड होती है। आप एक दर्जन माल खरीदेंगे तो अलग कीमत होगी, 50 दर्जन खरीदेंगे तो उसकी कीमत अलग होगी। कीमत, क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ साथ डिमांड, ट्रेंड और फैशन का भी ध्यान रखें। आजकल सिर्फ फैशनेबल प्रोडक्ट या एसेसरीज के ही ट्रेंड नहीं बदलते हैं, बल्कि घरेलू सामान, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट के भी ट्रेंड बदलते रहते हैं। डिमांड, ट्रेंड और फैशन के हिसाब से भी प्रोडक्ट की कीमत तय होती है। पुराने फैशन वाले प्रोडक्ट की डिमांड कम है, इसलिए उनकी कीमत कम होती है, जबकि ट्रेंड या फैशन में चलने वाले सामानों की कीमत अधिक होती है, क्योंकि उनकी डिमांड अधिक है। आप जब भी होलसेल सामान खरीदें, अपने बिजनेस से संबंधित प्रोडक्ट के डिमांड, ट्रेंड और फैशन के बारे में अच्छे से पता करें और उसी के हिसाब से खरीदारी करें। खासकर सीजनेबल बिजनेस कर रहे हैं तो उस वक्त तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यदि आप पुराने फैशन का सामान खरीद कर लाएंगे तो बिकेगा कम, लेकिन आप फैशन और ट्रेंड के हिसाब से सामान लाकर बेचेंगे तो ये जल्दी बिकेगा। सस्ते के चक्कर में आप पुराने फैशन और खराब क्वालिटी का सामान ना खरीदें, क्योंकि वो लाभ की बजाय नुकसान पहुंचाएगा। फ्रेंड्स, इन सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो ऑनलाइन होलसेल माल मंगवा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन होलसेल सामान मंगवाना आसान हो गया है। ऑनलाइन सामान मंगवाने पर किसी प्रोडक्ट की कीमत, क्वालिटी आदि सभी बातों की जानकारी घर बैठे हो जाती है। ऑनलाइन सामान मंगवाने पर आपको किसी अच्छे बड़े होलसेलर या किसी प्रोडक्ट के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। घर बैठे आप किसी भी बड़े शहर के होलसेल मार्केट से सामान मंगवा सकते हैं। ये सस्ता और आसान भी है। इस तरह से आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी सामान चाहते हैं उसकी कीमत, क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पूछ सकते हैं। मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड अधिक है आदि बातों की जानकारी भी होलसेलर दे देते हैं। फ्रेंड्स, माल बेचना ही मार्केटिंग नहीं है, कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदना भी मार्केटिंग है। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ। नमस्कार।